हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT इंग्लिश सीरीज चल रही है उसमें हम 10th NCERT को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम एक पोयम है द बॉल, द बॉल को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहले थोड़ा सा ऑथर की बात कर लेते हैं। हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पोयम, लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। बात कर लेते हैं ऑथर की, तो जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन इसके ऑथर रहे हैं। लाइफ स्पेन की बात करें, 1914 से 1972 तक जिनका लाइफ स्पेन रहा है। एक अमेरिकन स्कॉलर रहे हैं, क्लियर। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें ऑथर की, तो कोलंबिया के साथ साथ कैम्ब्रिज में भी उन्होंने एजुकेशन ली। और एक जो अगर फेमस वर्क की अगर ऑथर की बात करें, तो कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री का उनको एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो इन्होंने प्ले किया। और कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोएट उनको, ऑथर उनको माना जाता है। और सबसे अगर उनके बेस्ट वर्क की, मास्टरपीस की बात करें, तो द ड्रीम सॉन्ग उनका जो वर्क्स हैं, ड्रीम सॉन्ग्स, ये इम्पॉर्टेंट रहा है, क्लियर। इससे ये फेमस रहे हैं। और अगर अवार्ड की बात करें, तो नेशनल बुक अवार्ड और बॉलिंगन प्राइज जो है वो उनको अपनी पोएट्री के लिए मिले हैं। फिलहाल इस पोएम की बात कर लेते हैं। बॉल, बॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स बॉल, गेंद। एक लड़का जो है वो अपनी बॉल से खेल रहा है, गली में ऊपर नीचे उछल रही है, बच्चे खेलते ही हैं। और खेल का आनंद लेते हुए बच्चा बड़ा खुश है, लेकिन वो बॉल उछल कर नीचे गिर जाती है और फिर पानी में गिरकर वो गायब हो जाती है, क्लियर। अब इस पर क्या होता है, पानी में जब गायब हो जाती है तो बच्चा बिना बॉल के बड़ा दुखी होता है। तो पोएट कह रहा है कि अन्य गेंद भी हैं, दूसरी गेंद से बच्चा खेल सकता है, क्योंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं है एक बॉल अगर खो जाती है। लेकिन बच्चा जो है वो अपसेट है, क्लियर। कोई बड़ा नुकसान नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़के के पास ये गेंद बहुत लंबे समय से रही है। इसलिए जो बच्चा, इसके लगाव जो बच्चे को हुआ है इस बॉल से, इससे वो बहुत दुखी है और उसकी यादों से ये बॉल जुड़ी हुई है, क्लियर। हालांकि ऑथर कह रहा है कि गेंद की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरी बॉल खरीदना भी मुश्किल नहीं है, फिर भी लड़का परेशान है। तो देखते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, हालांकि छोटी सी पोएम है। यस, वॉट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वॉट इज द बॉय, कि अब उस लड़के को क्या हो गया है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी जो बॉल है वो खो दी है। अब उस लड़के को क्या हो गया है, उस बच्चे को क्या हो गया है जिसने अपनी बॉल खो दी है। वॉट, वॉट इज ही टू डू आई साइट को, वॉट वॉट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, आई साइट को। कभी कहता है कि मैंने उसे जाते हुए देखा है, मैंने उस जो बॉल उसकी पानी में गिरी है, मैंने उसको जाते हुए देखा है, मैरिली बाउंसिंग। और जो बच्चा है वो क्या कर रहा था, उसको खुशी से उछाल रहा था डाउन द स्ट्रीट, गली में। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर उछालते उछालते गली के नीचे उसने इसको बॉल को उछाला, और फिर वहां से ये जो बॉल थी, देयर इट इज इन द वाटर, ये कहाँ गिर पड़ी, ये पानी में गिर पड़ी, क्लियर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और इस बात को कहना लाभदायक नहीं है, क्योंकि और भी बॉल हैं, और भी गेंदों से, देयर आर अदर बॉल्स यानी और भी गेंद है, उनसे बच्चा खेल सकता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, क्लियर। तो क्या हुआ इस स्टेंजा में, क्या कहा ऑथर ने, ऑथर कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो बच्चा, उसको क्या हो गया है जिसने अपनी बॉल खो दी है, और वो अब क्या करेगा, आई सा इट गो, मैंने इसको देखा है, मैरिली बाउंसिंग, बड़ी खुशी से इसको उछाल रहा है, गली में खेल रहा है, और फिर उसकी जो खुशी है वो खत्म हो गई, क्योंकि उसकी बॉल पानी में गिर गई।
और इस बात को कहना लाभदायक नहीं है क्योंकि और भी बॉल हैं, देर आर अदर बॉल्स, की और भी बॉल हैं जिनसे बच्चा खेल सकता है, लेकिन गेंद के खोए जाने का जो दुख है वो बच्चे को है। क्लियर हुआ स्टेंजा? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। कह रहा अल्टीमेट का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट, और शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है एक डीप या इंस्टेंस ग्रीफ, यानी बहुत ज़्यादा दुख। और फिक्सेस का मतलब होता है फ्रेंड्स परेशान करता है, किसको? लड़के को। कह रहा गेंद के गायब होने से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, यानी वो जो अंतिम दुख है बच्चे को जो परेशान कर रहा है वो क्या है? गेंद के खो जाने से बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टारिंग डाउन। और बच्चा क्या कर रहा है? रिजिड कहते हैं सख्त हो गया है, ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा है, स्टारिंग यानी घूर रहा है, डाउन यानी नीचे। अर्थात वो बच्चा जब अपनी बॉल को खेलता था उन दिनों को याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, कांप रहा है, सख्त खड़ा हुआ है और वो घूर रहा है, नीचे घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और क्या याद कर रहा है? अपने उन दिनों को याद कर रहा है जहां उसकी जो बॉल है वो खो गई है। क्लियर? और हार्बर क्या है फ्रेंड्स? हार्बर होता है, देखिए शेल्टर को हार्बर कहते हैं, यानी बंदरगाह हार्बर होता है या कोई शरण स्थल हार्बर होता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड कहते हैं अधिकार से प्रवेश करना, थ्रस्ट। क्लियर? घुसपैठ करना, इंट्रूड। एंड अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। डाइम, डाइम होता है फ्रेंड्स एक 10 सेंट का एक सिक्का, यानी 10 सेंट को डाइम कहा जाता है। तो क्या कह रहा है देखिए, जो बॉल है एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। बॉल को खोने से बच्चा बहुत ज़्यादा दुख में जकड़ गया है, वो रिजिड हो गया है, वो कांप रहा है, वो नीचे घूर रहा है, नीचे देख रहा है, और उसके जो यंग डेज हैं, उसके जो पुराने दिन हैं, वो अब जहाँ वो शरण स्थली थी, उस शरण स्थली में अपनी गेंद से खेलता था, उस हार्बर में अपनी गेंद से खेलता था, लेकिन उसकी जो बॉल है वो बेंट यानी वो खो गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसे गेंद खेलने के लिए पैसे नहीं दूंगा। अ डाइम ऑन अदर वॉल इज वर्थलेस, क्योंकि एक 10 सेंट का सिक्का क्या है? इज वर्थलेस यानी मामूली है। ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है उसके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है उसके, हो नहीं होते तो मैं दे सकता था, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे हैं, और फिर कितने पैसे? 10 सेंट की बॉल है तो 10 सेंट का सिक्का जो है एक मामूली होता है, इसलिए मैं उसको, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम ऑन अदर बॉल इज वर्थलेस। क्लियर? तो मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा क्योंकि एक डाइम जो है वो वर्थलेस होता है। क्लियर हुई लाइन फ्रेंड्स? नाउ हिज सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हिज सेंसेज, सेंसेज कहते हैं समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व को, एंड पजेशन कहते हैं फ्रेंड्स अधिकार को। क्लियर? कह रहा है कि नाउ हिज सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशननेस। कह रहा है कि अधिकारों की दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, जो अधिकार हैं, अधिकारों की इस दुनिया में पहले वो अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। क्लियर? नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, यानी अधिकारों की इस दुनिया में पहले वो अपने जिम्मेदारी समझेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद तो खरीदेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और जो गेंदे हैं उनका खो जाना भी सदैव होता रहेगा। यानी ऑथर कह रहे हैं कि जो अपने अधिकारों के संसार में, अधिकारों की दुनिया में अपनी जिम्मेदारी को वो समझेगा, और पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदेंगे, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा गेंद खोई भी जाएंगी, लिटिल बॉय छोटे बच्चे, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी जो गेंद है वो वापस नहीं खरीदता है। नो वन वाइज बॉल बैक, यानी कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, कि जो पैसा है, जो धन है, वो तो एक बाहरी वस्तु है। पैसे को क्या बताया ऑथर ने? एक्सटर्नल, कि कोई भी व्यक्ति जो बॉल है वो वापस नहीं खरीदता है,
धन तो एक एक्सटर्नल वस्तु है, यानी एक बाहरी वस्तु है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, डेस्परेट कहते हैं निराश, और आईज आंखें, निराश आंखें। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्ञान शास्त्र। क्या? ज्ञान शास्त्र। और स्टैंड अप होता है खड़े हो जाना, निर्भर हो जाना। अब देखिए, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी जो निराश आंखों के पीछे, अपनी निराश आंखों के पीछे लड़का सब सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का ज्ञान शास्त्र। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कह रहा है कि उसे पता है वह किस प्रकार की हानि है, उसे उस लॉस का पता है कि वो किस प्रकार की हानि है, उसे पता है, वो सब सीख रहा है, वो जानता है किस प्रकार की हानि है और किस प्रकार साथ दिया जा सकता है। और मस्ट नो, और इस बात को वो जानता है, इस बात को जानकर कि एक दिन मस्ट, वन डे नो एंड मोस्ट नोज मैनी डेज, कि एक दिन प्रत्येक आदमी समझ जाएगा और बहुत से तो आने वाले दिनों में ये समझ जाएंगे कि हाउ टू स्टैंड अप की संभला कैसे जाता है, कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट संज्ञा एक बार और समझें। देखिए, ही इज लर्निंग, कह रहा कि वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी जो आंखें हैं निराश आंखों के पीछे वो यह सब सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो जानता है, क्या जानता है? हानि शास्त्र को, वो हानि को जानता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाता है, वो इस प्रकार इसको भी जानता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और इस बात को जानकर कि एक आदमी समझ जाएगा, यानी प्रत्येक आदमी समझ जाएगा, मस्ट नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे दिनों में, मोस्ट नो मैनी डेज, बहुत सारे दिनों में, आने वाले दिनों में लोग समझ जाएंगे, बहुत से तो आने वाले दिनों में समझ जाएंगे कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। क्लियर? तो आई होप पोयम अच्छी लगी, बढ़िया लगी, मज़ा आया, पूरी समझ आई कि नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जल्दी ही आपको वहाँ KVS की जो सीरीज है वो मिलने वाली है, MCQ सीरीज़। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।